आसन को पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे तीन भुजाएं हैं, एक दो तीन, ए बी सी। इसमें तीन भुजाएं हैं, पहली भुजा है ए बी, दूसरी भुजा है बी सी और तीसरी भुजा है ए सी। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसे हम कहेंगे इंग्लिश में द एरिया इनक्लोज बाई थ्री साइड्स इससे टू डी ट्राइंगल। किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। इसमें तीन शीर्ष है ए बी और सी। तीन भुजाएं हैं ए बी, बी सी और सी ए। इसमें तीन कोण हो गए कोण ए, कोण बी और कोण सी। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुजों का जो वर्गीकरण है दो आधार पर किया गया है। पहला है भुजा के आधार पर, और दूसरा है कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। इसमें है समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो मतलब अलग अलग हो उसे कहा जाता है विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर त्रिभुज भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला है न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिककोण त्रिभुज। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यूनकोण हो उसे कहा जाता है न्यूनकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे कहा जाता है समकोण त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिककोण हो उसे कहा जाता है अधिककोण त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज का हमें परिमाप निकालना हो तो कितना होगा? जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी। परिमाप जैसे जानते हैं कि परि का मतलब होता है बाहरी, माप का मतलब होता है मापना, मतलब बाहरी माप कितनी है। तो बाहरी माप पूरा तीनों भुजाओं को हम इसमें तीन भुजाएं हैं तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा तो त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा। अगर इसकी भुजा या ए हो और या बी हो और या सी तो बराबर हो जाएगा ए बी धन बी सी धन सी ए। इन तीन भुजाओं का योग बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी इसे हम टू एस से प्रदर्शित करते हैं। यही है त्रिभुज का परिमाप। अब यदि हमें ज्ञात करना हो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, यहां से हम एस का मान निकालेंगे तो आएगा एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो हमें पढ़ना है यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे कहा जाता है विषमबाहु त्रिभुज।
तो इसकी भुजाएं हैं ए बी और सी, तब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इसका सूत्र है अंडर यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, जहां पर यस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। यहां से हम निकालेंगे, इसमें रख देंगे, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। या किसी भी त्रिभुज के लिए हम इसको लगा सकते हैं। इसे कहा जाता है हीरो फार्मूला, हीरोज फार्मूला या हीरोज फार्मूला भी कहा जाता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, इसे कहा जाता है समकोण त्रिभुज। जैसे हो गया त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे कोण बी जो है 90 अंश का है, तब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर एक बट्टे दो गुणे आधार गुणे ऊंचाई, एक बट्टे दो गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यदि मान लीजिए इसकी ऊंचाई a है और आधार है, यह हो गया आधार, आधार यहाँ पे bc है और ऊंचाई है ab, जिसे लंब भी कहा जाता है, बराबर हो जाएगा एक बट्टे दो गुणे a गुणे क्या होगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे हम किसी भी त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया गया है किसी त्रिभुज में उसकी आधार जो है 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे इसकी ऊंचाई हो गई 8 सेंटीमीटर, तब हमें क्षेत्रफल इसका निकालना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक बटे दो गुणे आधार इसका है 6 गुणे बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर आपका। इसी तरह से इसी फार्मूले पर हम अन्य सभी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ए बी सी, क्या एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान। मान लीजिए तीनों भुजाएं ए है, तब इसका क्षेत्रफल होगा पहली में 3 बटे 4 गुणे भुजा स्क्वायर, यह फार्मूला है, बराबर हो जाएगा पहली में 3 बटे 4 गुणे ए स्क्वायर। इसको कैसे निकाला जाता है, तो निकालने के लिए सबसे पहले हम यहां से एक लंब खींचेंगे। मान लीजिए बिंदु डी हो गया, तब यहां से यहां तक पूरा टोटल ए, तो इसका आधा हो जाएगा ए बाई टू, अब यह हो गया ए बाई टू और यह है ए, इसकी लंबाई हम निकालेंगे, तब आ जाए यहाँ पे अंडर थ्री इंटू ए बाई टू। सब त्रिभुज का क्षेत्रफल है कि एक बटे दो गुणे आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी प्रकार क्या होता है कि निकाला जाता है, यह फार्मूला है तो इसी में हम रखेंगे, बराबर हो जाएगा एक बटे दो गुणे आधार हो गया आपका यहां से यहां पूरा ए इंटू ये ऊंचाई हो गई ए बाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट थ्री अपॉन फोर इंटू ए स्क्वायर, यही है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
निकालेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे कितना होगा कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, क्या है समद्विबाहु, त्रिभुज है ए बी सी, यह दोनों भुजाएं आपस में समान। मान लीजिए यह भुजा जो है बी है, तो यह भी हो जाएगी बी, और यह बी सी जो भुजा है वह है ए। तब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वही सूत्र हम लगाएंगे, एक बटे दो गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे हमें इसका आधार मालूम है ए है, लेकिन ऊंचाई नहीं पता है, तो सबसे पहले हम इसकी ऊंचाई निकालेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से मान निकालेंगे, यह हो गया बिंदु यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी और सी, तो मान लीजिए दो भुजाएं इसकी हैं ए बी और ए सी, ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसको हम मान लिए बी और तीसरी भुजा है ए। तो सम विभाग त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी सूत्र पर निकाला जाएगा, एक बटे दो गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे हमें आधार मालूम है, इसका आधार ए है और ऊंचाई हमें निकालनी है, ऊंचाई ए डी। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकालेंगे, ए डी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए बी का मान है बी, तो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी बी का मान है ए बाई टू, ए का आधा हो जाएगा ए बाई टू का हम स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन फोर बराबर हो जाएगा यहाँ पे फोर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर। तब यहाँ से हम ए डी का जब मान निकालेंगे, तब ए डी बराबर होगा अंडर रूट फोर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू। यहाँ पे चार कपड़े निकलेंगे तो दो आ जाएगा। अब यही ए डी का मान जो है, ए डी है इसकी ऊंचाई, यहाँ पे इसको प्रोग्राम रख देंगे, बराबर हो जाएगा एक बटे दो गुणे ए गुणे माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बराबर हो जाएगा ए इंटू अंडर रूट फोर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर। यह हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए बाई फोर इंटू अंडर रूट फोर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए हम एक इसका लेते हैं उदाहरण, एक उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, मान लीजिए भुजा ए बी जो है 6 सेंटीमीटर है, तो समद्विबाहु ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर, और इसको आप मान लीजिए आधार जो है 8 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ए बाई फोर इंटू अंडर रूट फोर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यह हो गया बी और यह हो गया ए। यहां पर लिख सकते हैं बराबर 6 और ए बराबर 8, मान रखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 8 बटे 4 गुणे अंडर रूट 4 बी स्क्वायर 4 इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस ए स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे आगे 64 बराबर, इसको काट देंगे हम तो आ जाएगा यहाँ पे 2, तो 2 गुणे हो जाएगा अंडर रूट
इसको हम बैठाएंगे दो अंदर कुछ हो जाएगा 80, इसको हम लिख सकते हैं बराबर हो जाएगा दो गुंडे अंदर कुछ 80 को लिखेंगे 4 गुंडे 20 बराबर हो जाएगा, यहाँ से 4 को बाहर कर लेंगे तो आ जाएगा 2 2 3 4 4 2 20, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 2 20 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम निकालो इसे लंबे जैसे लंबे निकाला जाता है सबसे पहले यहाँ पे क्या है एडी, इसका आधा होगा बीसी का, डीडी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और इसको हम निकालेंगे क्या हो जाएगा 6/4 तो ऊंचाई निकालकर सूत्र में हम रखेंगे 1/2 हुए आधा हुए ऊंचाई, उस तरह से भी हम इस इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस तरह से हम एक समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट अगले क्लास में।